गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 25 to 33। तो 29 तक हमने फर्स्ट कर लिया, अब 25 से 33 तक देखते हैं हम। तो 30th क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल है। तो देखो, हमने 28th क्वेश्चन भी इसी टाइप का था वो, ठीक है ना। जब भी साइन और कोस होंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इस टाइप में, तो हमें डिनोमिनेटर को उसी फॉर्म में चेंज करने के लिए ट्राई करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। 0 से π/4 लिमिट है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, नाइन प्लस में 16। तो देखो इसको क्या लिखा, साइन 2x का फार्मूला लिख लेंगे, 2 sin x cos x। इज इक्वल टू 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, 9 प्लस में 16 इंटू, देखो इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 sin x cos x। अगर 28th क्वेश्चन देखा होगा तो ये क्वेश्चन ईजी आ जाएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा। तो देखो फिर क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, 9 प्लस में 16, 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं लास्ट के 2 टर्म में से। तो देखो ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय 9 प्लस में 16। देखो 1 के प्लेस पे लिख सकता हूं मैं, सॉरी इसको तो एज डीज ही रखेंगे, 1 एज डीज माइनस इसके प्लेस पे रखें क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटी में बनाना है। तो 1 के प्लेस पे देखो मैं क्या रख सकता हूं, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। इज इक्वल टू 0 से π/4 साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, 9 प्लस में 16, 1 माइनस। अब देखो ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो क्या बन गया, a माइनस बी का बन गया साइन एक्स माइनस में कोस एक्स का होल स्क्वेयर बन गया ये इंटू में डी एक्स। 0 to π/4 साइन एक्स कोस एक्स होल डिवाइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 से, अब ये बनेगा 1 से प्लस 16 और ये 16 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करें, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हो गया 25 माइनस में 16 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो अब इसको पुट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे,
विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये आपके पास बन गया फिर साइन का डेरिवेटिव कोस x, कोस का माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा. dx इज इक्वल टू dy. इसीलिए हम इसको चेंज करते हैं ताकि डिनोमिनेटर का जो है डेरिवेटिव न्यूमरेटर में जो है वो बन जाए. तो लिमिट भी चेंज होगी व्हेन x इज इक्वल टू क्या है, जीरो है. तो y देखते हैं, साइन जीरो जीरो, कोस जीरो वन, तो माइनस का वन आ जाएगा. और व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय फोर, तो y देखते हैं, साइन पाई बाय फोर पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू, तो जीरो आ जाएगा इस टाइप से. तो इंटीग्रल जो i समझे, लिमिट चेंज हो जाएगी, क्या हो गई, माइनस वन टू जीरो. अब इसके प्लेस पे तो आ गया dy, न्यूमरेटर के प्लेस पे तो dx को मिला के. इधर देखो 25 माइनस 16 ये वाई स्क्वेयर हो जाएगा. तो 1 अपॉन 25 माइनस 16 वाई स्क्वेयर इंटू में dy, इस टाइप से बन जाएगा ये. तो देखो, या तो इसको 5 का स्क्वेयर 4y का होल स्क्वेयर बना के कर लेंगे. फिर उस बात में ध्यान रखना है कि जो y का कोफिशेंट होगा, माने डेरिवेटिव बनेगा 4y का, उसे डिवाइड भी करना है. या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसमें से 16 कॉमन ले लेते हैं तो भी हम लोग कर सकते हैं उसको, ठीक है ना. तो हम लोग देखो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, माइनस वन टू जीरो, वन अपॉन ये क्या बनेगा, फाइव स्क्वेयर माइनस फोर वाई का होल स्क्वेयर इंटू डी वाई. अब ये जो है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाला फार्मूला यूज हो जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको करें तो 1 बाय 2 ए, ए के प्लेस पे क्या है 5, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, ए के प्लेस पे 5 प्लस में एक्स के प्लेस पे 4y, डिवाइड बाय ए माइनस एक्स मीन्स ए माइनस 4y. और फिर इसकी लिमिट रख लेते हैं हम लोग. एक एक बात का और ध्यान रखना था ना कि भाई 4y का जो डेरिवेटिव 4, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो उससे और डिवाइड करना हमें, मतलब ठीक है ना, इंटू में 1 बाय 4 और कर लेते हैं और फिर इसकी लिमिट रख लेंगे. लिमिट क्या है, माइनस वन टू जीरो. तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, 5 टू जा 10 और ये 40 हो गया, 1 बाय 40 तो बाहर ले लेते, ये बन गया लॉग ऑफ 5 प्लस में 4y, 5 माइनस में 4y, माइनस वन जीरो. तो ये 1 बाय 40 पहले अपर लिमिट रख लेंगे. तो देखो ये क्या आएगा, जीरो रखें, ये जीरो हो गया, ये जीरो, तो 5/5 आया, 1 हो जाएगा log ऑफ 1. माइनस 1 रखेंगे तो log ऑफ, देखो माइनस 1 रखा तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, माइनस रखा तो ये प्लस हो जाएगा. तो उसको लिख सकते हैं 1/9 log 1/9, ठीक है ना. इस टाइप से हमने इसको चेंज कर लिया और फिर इसको 1/40 log 1 तो क्या होता है, जीरो हो जाता है. इसको पॉजिटिव बना लेंगे, 1/9 का 9 कर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, log ऑफ 9 हो जाएगा. ये तो जीरो ही है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/40 log ऑफ 9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. इसमें देखो
साइन टू एक्स का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 0 से पाई बाई 2, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स और इनटू में टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। टू तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स कोस एक्स टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। देखो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो साइन को लेट कर लेंगे क्योंकि टू प्लेसेस पे साइन है, तो लेट कर लेंगे हम लोग, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस एक्स डी एक्स डी वाई, लिमिट भी चेंज हो जाएगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 होता है तो वाई भी 0 आ जाएगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 होता है तो वाई 1 आ जाएगा, तो इंटीग्रल आई ये 2 कॉमन है उसमें, लिमिट चेंज होगी 0 से 1। ये हमने वाई लिया है, ये कोस एक्स डी वाई बन जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स वो भी वाई लिया है हमने और ये डी वाई बन जाएगा। अब बाय पार्ट्स कर लेंगे इसको, आई लेट की ट्रिक का यूज करके, आई इनवर्स तो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स फंक्शन होता है, तो ये सेकंड हो जाएगा एलजेब्रिक, तो 2 इंटू फर्स्ट एज इट इज टेंजेंट इनवर्स y, सेकंड का इंटीग्रल y इंटू डी वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स y और इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो देखो फिर इसको करेंगे, तो 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स y, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, पावर 1 ऐड करेंगे डिवाइड बाय पावर माइनस टेंजेंट इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, x होता था x स्क्वेयर आ जाता है इसके प्लेस पे, y का तो फिर वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 इंटू में डी वाई। इसमें से 1 बाई 2 कॉमन है, इसमें से 1 बाई 2 है, तो 2 तो कॉमन ले लेते हैं, इंटू वाई स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस इंटीग्रल ये क्या बन गया, वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस में वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। अब इसको इस तरह से चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखो कैसे चेंज करेंगे इसको, ये तो कैंसिल हो जाएगा वाई स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस में इंटीग्रल, तो देखो इसमें 1 ऐड कर लेते हैं और 1 सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 प्लस में वाई स्क्वेयर डी वाई। इस बात का ध्यान रखना इसकी लिमिट चली हुई है, इसकी लिमिट जो है 0 to 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं इसमें सभी में 0 to 1 चल रहा हुआ है। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस
इसको इसके से डिवाइड करेंगे वन आ जाएगा, और इससे डिवाइड करें तो माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा डी वाई। वाई स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस, तो अलग अलग कर लेते हैं, ये तो वन इंटू डी वाई बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर बन जाएगा। तो वाई स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स वाई, तो ये वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई बनेगा, प्लस ये टेंजेंट इनवर्स वाई का होता है तो वो लिख लेते हैं जीरो टू वन। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दो प्लेसेस के बजाय एक प्लेस पे लिख लेंगे वैल्यू को, तो इसमें से टेंजेंट इनवर्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो वाई स्क्वेयर बचेगा, इधर प्लस वन आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस वाई। अब लिमिट पुट कर लेते हैं, देखो अपर लिमिट पुट करेंगे पहले वन, वन प्लस वन टू हो जाएगा, और ये टेंजेंट इनवर्स वन, और माइनस में वन, ये तो हमने रखी अपर लिमिट, और लोअर लिमिट जीरो रखेंगे, ये तो वन, ये टेंजेंट इनवर्स जीरो हो जाएगा, माइनस ये भी जीरो हो जाएगा। तो टू टेंजेंट इनवर्स वन क्या होता है पाई बाय फोर, माइनस वन, ये ओवरऑल सारा जीरो हो जाएगा, तो ये टू वन जा टू टू जा फोर, तो पाई बाय टू माइनस वन, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको आई ले लेते हैं पहले, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल की उनका यूज करेंगे इसमें हम लोग, सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स डी एक्स, इसको वन रख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी का यूज करें, जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी का यूज करें, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स में पाई माइनस एक्स टेंजेंट पाई माइनस एक्स होल डिवाइड में सीकेंट पाई माइनस एक्स प्लस में टेंजेंट पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या यूज किया कि इंटीग्रल जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स होता है, उसका हमने यूज कर लिया। तो I इज इक्वल टू जीरो टू पाई, ये तो पाई माइनस एक्स ही होगा, टेंजेंट पाई माइनस एक्स जो है माइनस टेंजेंट एक्स होता है, माइनस आ जाएगा, लिख लेते हैं माइनस टेंजेंट एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सीकेंट है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ये भी नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा इसमें भी, सीकेंट एक्स लिख लेंगे, प्लस ये वही सेम है ना, माइनस आ जाएगा ये भी, माइनस टेंजेंट एक्स हो जाएगा इंटू में डी एक्स। देखो यहां से माइनस, इन दोनों में से माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स पॉजिटिव टेंजेंट एक्स, ये दोनों भी पॉजिटिव, सीकेंट एक्स
प्लस टेंजेंट एक्स बी एक्स, तो मल्टीप्लाई कर लेते इसको, 0 to π मल्टीप्लाई किया तो पाई टेंजेंट एक्स माइनस में एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेके फर्स्ट को साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या है अगर हम लोग इसको करें जीरो से पाई अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो आ जाएगा पाई टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स माइनस में एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, तो इसकी प्लेस पे आई लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π पाई कॉस, चलो लिख लेते हैं पाई टेंजेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, ये इसको क्या लिख लेंगे आई लिख लेंगे, क्या किया यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये, इसका हमने यूज कर लिया एक्स टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स के प्लेस पे हमने आई का यूज कर लिया, माना इंटीग्रल का। तो फिर इसको देखो ये आई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2i, ये पाई कांस्टेंट है कॉमन ले लेते हैं, 0 से π टेंजेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, इसका अभी देखो हम लोग इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं इसका, देखो एक तरीका ये भी है इसको साइन कोस में चेंज कर लो फिर आए, एक हम लोग डायरेक्ट इसी को यहीं रेशनलाइजेशन कर लेते हैं डिनोमिनेटर का ऐसा, तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 to π, देखो न्यूमरेटर में तो बना टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स होल डिवाइड में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इंटू में डी एक्स, तो आई इज इक्वल टू डिवाइड में चला जाएगा ये पाई बाई टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π, तो टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। अब देखो ये जो है आइडेंटिटी होगी जो कि 1 के इक्वल होती है, तो ये 1 लिख लेंगे इसके प्लेस पे, तो ठीक है बिकॉज सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटीग्रल 0 to π मल्टीप्लाई कर लेंगे टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, अलग अलग कर लेते हैं इसको, फिर पाई बाई टू इंटीग्रल 0 to π टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स इंटीग्रल 0 to π टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, पाई बाई टू इंटू इंटीग्रल, अब देखो इंटू डी एक्स लिख लेते हैं टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, ये सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल सीकेंट एक्स हो जाएगा फिर, तो ये सीकेंट एक्स लिख लेंगे, इसकी लिमिट पुट कर लेते हैं 0 से π माइनस
अब देखो टेंजेंट स्क्वायर एक्स का कुछ भी नहीं होता, तो इसको सीकेंट में चेंज कर लेते हैं, पहले जीरो से पाई, तो वो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा इंटू में डी एक्स। पाई बाय टू सीकेंट, तो अपर लिमिट इसमें तो रख लेते हैं, सीकेंट पाई माइनस सीकेंट जीरो। माइनस देखो सीकेंट डायरेक्ट करना चाहे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का तो टेंजेंट एक्स हो जाएगा और वन का एक्स हो जाएगा, और इसकी भी लिमिट पुट कर लेंगे फिर सेकेंड स्टेप में। पाई बाय टू, तो ये नेगेटिव हो गया ना पाई, सीकेंट पाई माइनस वन होता है, सीकेंट जीरो वो वन होता है, तो ये भी माइनस वन आ जाएगा। माइनस अब इसकी टेंजेंट पाई माइनस पाई जीरो रखेंगे, टेंजेंट जीरो माइनस जीरो, इस टाइप से हमने लिमिट पुट कर लिया। इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू हो जाएगा, माइनस टेंजेंट पाई जीरो होता है, ये जीरो हो गया, माइनस पाई ये ओवरऑल जीरो हो गया, पाई बाय टू माइनस टू ये तो जीरो है, ये प्लस पाई हो जाएगा, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं पाई बाय टू इंटू पाई माइनस में टू, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, तो आई इज इक्वल टू लिमिट 1 टू 4 एक्स माइनस वन मॉडुलस, एब्सोल्यूट फंक्शन है ये, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो अलग अलग कर लेते हैं इसको, वन फोर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल वन टू फोर एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस वन टू फोर मॉड एक्स माइनस थ्री डी एक्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार इस टाइप का आया हुआ है, तो देखो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं आई वन, इसको ले लेते हैं आई टू, इसको ले लेते हैं आई थ्री, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, फिर मैंने इनको अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आई वन को देखते फर्स्ट, इंटीग्रल वन टू फोर एब्सोल्यूट एक्स माइनस वन डी एक्स, और देखो एक्स की वैल्यू इसको जीरो रखोगे एक्स की वैल्यू वन आएगी, वन से लेस देन के लिए पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, और ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव होगा। तो इसको लिख लेते हैं, वी नो दैट दैट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा ऑन इंटरवल, क्या है वन से ग्रेटर देन, मतलब वन टू फोर तक लिमिट है, तो वन से फोर तक ये ग्रेटर देन ही रहेगा, इसमें लेस देन है ही नहीं क्योंकि स्टार्ट ही वन से हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं आई वन को वन टू फोर, मतलब पॉजिटिव के साथ इसको ओपन कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रल क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस में एक्स, लिमिट पुट कर लेते हैं वन फोर, फोर रखें फोर फोर जा सिक्सटीन बाय टू एट आ जाएगा, माइनस में फोर माइनस वन रखेंगे वन बाय टू माइनस वन, तो एट माइनस फोर ये फोर आ जाएगा, ये माइनस का हाफ आएगा फिर प्लस हाफ हो जाएगा, तो इसको सॉल्व किया
तो 9/2। अब I2 ले लेते हैं, I2 का इंटीग्रल 1 to 4 x माइनस में 2 dx। अब इसको करते हैं, फिर उसी तरह से लिखेंगे इसको, माना कि x माइनस में 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ऑन द इंटरवल। अब x की वैल्यू क्या आएगी, 2, 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर माना 2 टू 4 हो जाएगा, और x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा ऑन इंटरवल, 2 से लेस देन वैल्यू कौन सी है, 1 to 2। ये इस तरह से आ जाएगा। तो I2 को देखो कैसे ओपन करेंगे, फिर जब लिमिट लेंगे 1 to 2 तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, माना ऐसे लिख लेंगे इसको x माइनस 2 इंटू डी एक्स, और जब 2 to 4 लेंगे तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, इस तरह से ले लेंगे हम लोग। तो इंटीग्रल 1 to 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, 2 to 4 x माइनस 2 डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल किया 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर लेंगे 1 to 2, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x हो जाएगा, लिमिट 2 to 4 है। टू रखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4/2 2 आ जाएगा, माइनस 1 रखेंगे ये 2, ये माइनस 1/2, प्लस 4 रखे 16/2 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4/2 2, 2 2 जा 4। तो ये तो आ गया 2, ये आ जाएगा 3/2 माइनस में 3/2, प्लस ये 0, ये माइनस का 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 2 + 2 = 4 माइनस में 3/2, 4 2 = 8 तो ये आपका 5/2 आ गए। ये I2 निकाल लिया। अब I3 ले लेते हैं, इंटीग्रल 1 to 4, थर्ड क्या था, मोड ऑफ x माइनस 3 डी एक्स, और तो उसी तरह से लिख लेंगे कि x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ऑन इंटरवल, x इज इक्वल टू 3 आया तो 3 से ग्रेटर के लिए, माना 3 to 4 के लिए, और x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 होगा ऑन द इंटरवल, 3 से लेस कौन सा बचिया, 1 to 3 बचिया इस इंटरवल में, माना। तो देखो इसको लिखेंगे, फिर ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो किस इंटरवल में, 1 to 3 में, तो माइनस x माइनस 3 डी एक्स, प्लस इंटीग्रल 3 to 4 पॉजिटिव के साथ x माइनस 3 डी एक्स इज इक्वल टू 1 to 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स कर लेते हैं डी एक्स, 3 to 4 x माइनस 3 डी एक्स। तो वैल्यू पुट कर इसका इंटीग्रेशन 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 to 3 x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x, 3 to 4। पहले 3 रख लेते हैं, 3 3 जा 9, ये 9/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस में 1/2, प्लस 4 रखेंगे 8, 4 3 जा 12, माइनस 3 रखेंगे 9/2,
3 जा माइनस 9, तो ये 9 बाई 2 बच गया। ये आप करोगे तो 3 2 जा 6, 5 बाई 2 माइनस में 5 बाई 2 हो जाएगा, प्लस में माइनस 4, माइनस 9 बाई 2 बनेगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस 9 बाई 2। इसका तो एलसीएम 9 माइनस 5 तो 4 बाई 2 हो गया, ये तो प्लस 4 2 जा 8 तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 5 बाई 2, ये आई 3 आ गया। तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फिर इनको, आई 1 आई 2 आई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट आई था, तो देखो हमने क्या क्या निकाला, आई 1 आई 2 आई 3, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये थी, आई 1 आई 2 आई 3। आई 1 हमने ये निकाल लिया था, 9 बाई 2 आ गया, तो इसके प्लेस पे तो आ जाएगा फर्स्ट आई 9 बाई 2। फिर हमने निकाला आई 2, आई 2 हमने ये निकाला था और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5 बाई 2, तो ये प्लस 5 बाई 2, और प्लस में आई 3 यह भी हमने निकाला ही था, ये भी 5 बाई 2 ही है। तो एलसीएम तो सबका सेम है, 9 5 14 प्लस 5 14 19 हो जाएगा, और 19 बाई 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा।